हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर आपका शॉर्ट्स का चैनल है और आप जो भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो आपकी शॉर्ट फीड में नहीं जा रही है, जो शॉर्ट सेल्फ है उसके अंदर नहीं जा रही है, या उसके अंदर जाती भी है तो उस पर बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं, 50-100 व्यूज़ ही आते हैं और उसके बाद आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, शॉर्ट सेल्फ में नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूं और आपको एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके का अगर आप यूज करेंगे तो आपकी हर एक शॉर्ट वीडियो जो भी आप बनाएंगे वो शॉर्ट फीड के अंदर जाएगी, शॉर्ट सेल्फ के अंदर जाएगी और उस पर व्यूज भी आपको भर भर के देखने को मिलेंगे, आपकी वीडियो वायरल बहुत जल्दी होगी। वीडियो छोटी सी है पर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसे मोबाइल फोन में भी खोल सकते हैं। इसकी स्क्रीन बड़ी है इसलिए आपको मैंने इस पे समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक डमी अकाउंट से YT स्टूडियो का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है और इसमें आपको लेफ्ट साइड में जो सेटिंग्स होती हैं अपने चैनल की उन्हें ओपन कर लेना है। YT स्टूडियो डैशबोर्ड को ओपन करके वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू में सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है। तो वो क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको चैनल वाले सेक्शन पे आना है जो सेकंड नंबर के ऊपर है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने चैनल के कीवर्ड्स लगाने हैं और आपको क्या कीवर्ड्स लगाने हैं यहाँ पे आपको ध्यान से देखने हैं, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट्स लिख के एंटर कर देना है, दूसरा आपको YT शॉर्ट्स लिखना है और एंटर कर देना है, उसके बाद आपको यूट्यूब शॉर्ट्स लिखना है और एंटर कर देना है, उसके बाद आपको शॉर्ट्स वीडियो लिखना है, एंटर कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे आप लिखना है यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। आपके चैनल का नाम लिख देना है जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, ये तो मेन आपके जो कीवर्ड हैं ये डालने हैं, उसके बाद आपको वो सारे यहाँ पे डाल देने हैं जो आपके जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, शॉर्ट्स का, कुकिंग का है, गेमिंग का है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डाल देना है। अपने चैनल का नाम भी आपको यहाँ पे डाल देना है टैग लगा के। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे अपलोड डिफॉल्ट्स के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको टाइटल में एक चीज हमेशा रखनी है, वो लिखना है आपको यहाँ पे शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स आपको हमेशा यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको चार टैग्स लगाने हैं, हैशटैग्स, सबसे पहले आपको शॉर्ट्स लगाना है, उसके बाद आपको YT शॉर्ट्स लगाना है, उसके बाद आपको यूट्यूब शॉर्ट्स लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है शॉर्ट्स वीडियो। तो ये चार हैशटैग आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा लेने हैं अपलोड डिफॉल्ट्स के अंदर जाके। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे टैग्स के अंदर भी सेम इन्हीं को लगा देना है, चारों टैग्स को, ठीक है, YT शॉर्ट्स, YouTube शॉर्ट्स, उसके बाद शॉर्ट्स वीडियो। तो ये आपको टैग्स जरूर यूज करने हैं, ठीक है। ये सारे जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए ये आपको जरूर लगाने हैं अपने अपलोड डिफॉल्ट्स में जाके, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है और ये आपकी हर वीडियो में लग जाएंगे ऑटोमेटिक। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स के अंदर ये ऑटोमेटिक दिखने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो वीडियो है वो शॉर्ट फीड के अंदर भी जाएगी और आपकी वीडियो वायरल भी होगी। अगर इतना सब करने के बाद भी आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने चैनल पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन शॉर्ट डाल दी, उसके 10 दिन बाद फिर शॉर्ट डाल रहे हैं, फिर 4 दिन बाद डाल रहे हैं, फिर 7 दिन बाद डाल रहे हैं, ऐसे नहीं चलना आपको। अगर आप डेली शॉर्ट डाल रहे हैं तो डेली डालनी है, एक दिन छोड़ के डाल रहे हैं तो एक दिन छोड़ के डालनी है, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपका चैनल वायरल होगा, आपके जो वीडियो हैं वो वायरल होंगी और आपको जो शॉर्ट्स बनाना है वो क्रिएटिव बनाना है, जिससे ऑडियंस के साथ आपका एंगेजमेंट बढ़े। तो 100% आपकी शॉर्ट्स जो है वो वायरल होगी, शॉर्ट फीड के अंदर भी जाएगी अगर आप ये सब सेटिंग कर लेंगे तो, ठीक है। तो मैंने आपको अब अच्छे से समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको
इस तरीके की इस ट्रिक के बारे में बता दिया है। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।